नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका नर्सिंग करियर क्लब के डिप्लोमा इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन के ऑनलाइन सेक्शन में। दोस्तों, आज का हमारा चैप्टर है केयर ऑफ पेशेंट इन ओटी एंड आईसीयू। हम इस चैप्टर के अंदर निम्नलिखित पॉइंट्स कवर करेंगे। पहला है इंट्रोडक्शन, दूसरा है पेशेंट ट्रांसफ़र टेक्निक, तीसरा है रीस्ट्रेंट टेक्निक, चौथा है केयर ऑफ पेशेंट ऑन वेंटिलेटर, पांचवा है केयर ऑफ पेशेंट ऑन ट्रेकियोस्टोमी, छठा है केयर ऑफ पेशेंट ऑन नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब, सातवा है केयर ऑफ पेशेंट फॉर चेस्ट ट्यूब, आठवा है केयर ऑफ पेशेंट फॉर कैथेटर, नवा है केयर ऑफ पेशेंट ऑन इंट्रावीनस लाइन, दसवा है केयर ऑफ पेशेंट ऑन ऑक्सीजन, ग्यारहवा है बेसिक हाइजीन एंड मेंटेनेंस ऑफ हाइजीन, बारहवा है कॉन्टैक्ट विथ पेशेंट एंड फैमिली मेम्बर्स इन रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन के बारे में। ऑक्यूपेशनल थेरेपी द्वारा इंटेंसिव केयर यूनिट आईसीयू में क्रिटिकली इल पेशेंट की केयर करते हैं। ऑक्यूपेशनल थेरेपी प्रैक्टिशनर के पास महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की अपॉर्चुनिटी रखते हैं, जिसमें बेड एक्टिविटी से बढ़े हुए फ्यूचर को बढ़ावा देने के लिए अर्ली मोबिलिटी की सुविधा होती है, जिससे ह्यूमनाइज्ड केयर प्रदान की जाती है। अब हम पढ़ेंगे पेशेंट ट्रांसफ़र टेक्निक। डेफिनेशन है, एक ट्रांसफ़र पेशेंट का एक स्थान से दूसरे स्थान पर बेड से व्हीलचेयर पर सेफ मूवमेंट होता है। इसमें नर्स पेशेंट को टीच करती है और सक्सेसफुल ट्रांसफ़र के लिए उसके पार्टिसिपेशन के लिए पूछना चाहिए। पेशेंट को डिसेबिलिटी और एबिलिटी होने के लिए नर्स को एक उपयुक्त टेक्निक को सेलेक्ट करना चाहिए। ट्रांसफ़र के लेवल्स हैं, पहला है इंडिपेंडेंट ट्रांसफ़र। पेशेंट सुरक्षित तरीके से और सहायता के बिना ट्रांसफ़र सभी एस्पेक्ट को परफॉर्म करता है। सेकंड है असिस्टेड ट्रांसफ़र। पेशेंट की एक्टिविटी में भाग लेता है, लेकिन हेल्थ केयर मेंबर द्वारा सहायता की आवश्यकता होती है। थर्ड है डिपेंडेंट ट्रांसफ़र। पेशेंट एक्टिविटी में भाग नहीं लेता है या केवल बहुत ही कम लेता है, और हेल्थ केयर मेंबर ट्रांसफ़र के सभी एस्पेक्ट को परफॉर्म करते हैं। ट्रांसफ़र असिस्ट डिवाइस। किसी व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करने और ट्रांसफ़र करने का एक सुरक्षित साधन प्रदान करना। फैसिलिटेटेड इंडिपेंडेंस व्यक्ति के ट्रांसफ़र की डिग्निटी बनाए रखती है। रिस्क फैक्टर को एलिमिनेट या मिनिमाइज कर सकते हैं, जिससे देखभाल करने वाले को इंजरी हो सकती है। जहाँ तक संभव हो, पेशेंट को खुद को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। अच्छे संतुलन वाले और ट्रांसफ़र असिस्ट डिवाइस के उपयोग के माध्यम से इंडिपेंडेंस बनाए रखने में सक्षम हो सकते हैं, जैसे बेड टू बेड, बेड टू व्हीलचेयर, बेड टू स्ट्रेचर। तो आइए अब हम इससे रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी अवॉइडेड व्हेन हेल्पिंग ए पेशेंट परफॉर्म ए बेड टू चेयर ट्रांसफ़र। ऑप्शन है एनसीयू और पेशेंट फीट आर फ्लैट ऑन द फ्लोर अंडर देयर नीज एट लीस्ट हिप विड्थ अपार्ट, टू लीन फॉरवर्ड बिफोर स्टैंडिंग अप, अलाउंग द पेशेंट टू पुट देयर हैंड्स अराउंड नेक ड्यूरिंग द ट्रांसफ़र यूजिंग एन असिस्टिव डिवाइस सच एज ए वॉकर और ट्रांसफ़र बेल्ट। इसका आंसर है डी। अब हम पढ़ेंगे रीस्ट्रेंट टेक्निक के बारे में। इसकी डेफिनेशन है, एक रीस्ट्रेंट टेक्निक व्यक्ति के मूवमेंट को फिजिकली रूप से उस स्थिति तक पहुंचाने को रोकती है जिसमें उसे गिरने का रिस्क होता है। इसमें एक हार्नेस होती है जो एक एंकोरेज से लेनियार्ड या हॉरिजॉन्टल लाइफ लाइन से जुड़ा होता है। इसे पहनने वाले को अनप्रोटेक्टेड एज तक पहुँचने से रोकने के लिए सेटअप किया जाता है। इसके जनरल प्रिंसिपल है, रीस्ट्रेंट को यूज़ करने से पहले केवल क्लाइंट मूवमेंट को कम करने के लिए सेलेक्ट किया जाता है। नर्स को सावधानी पूर्वक रीस्ट्रेंट के प्रकार और इसके उपयोग के कारण को एक्सप्लेन करना चाहिए। ट्रीटमेंट के साथ इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। इसे अप्लाई करने से पहले बोनी प्रोमिनेंस होना चाहिए।
इंडिकेशन है जब पेशेंट फिजिकली कॉम्बेटिव होता है, जब पेशेंट स्वयं या दूसरों के लिए एक क्लियर और इमीडिएट खतरे में हो, जब सक्सेस के बिना लेस रेस्ट्रिक्टिव अल्टरनेटिव्स का प्रयास किया गया हो, जब यह रीजनेबली अपीयर होता है कि रीस्टेंट में डिले से पेशेंट और अन्य लोगों को सीरियस हार्म हो सकता है। फर्स्ट है ओल्ड एज पीपल में रीस्टेंट। इसमें ए पॉइंट है फिजिकल रीस्ट्रेंट। फिजिकल रीस्ट्रेंट एक पेशेंट के मूवमेंट को सीमित करता है, एग्जांपल बेड के साइड रेल। बी है केमिकल रीस्ट्रेंट। ये किसी भी प्रकार की साइको एक्टिव मेडिकेशन होता है जिसका उपयोग पेशेंट के इलाज के लिए नहीं किया जाता है, बल्कि किसी पर्टिकुलर बिहेवियर या मूवमेंट को इंटेंशनली इनहिबिट करने के लिए किया जाता है। सी है एनवायरमेंटल रीस्ट्रेंट। यह क्लाइंट की मोबिलिटी को नियंत्रित करता है, एग्जाम्पल सिकलसन। सेकेंड है पीडियाट्रिक इन्फेंट या चिल्ड्रन में रीस्ट्रेंट। ए पॉइंट है मम्मी रीस्ट्रेंट। मम्मी रीस्ट्रेंट का उपयोग बच्चों को लिंब के मूवमेंट को सीमित करने के लिए करते हैं। इसका उपयोग चिल्ड्रन के हेड, नेक और फेस के एग्जामिनेशन, प्रोसीजर और ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है, उदाहरण के लिए स्काल्प वेन पंक्चर, ईयर एग्जामिनेशन और इरिगेशन, गैस्ट्रिक लवाज। हम इस स्लाइड के माध्यम से समझ सकते हैं कि ये मम्मी रीस्ट्रेंट का यूज़ किया गया है जो कि इन्फेंट और चिल्ड्रन में करते हैं। बी पॉइंट है एल्बो और नी रीस्ट्रेंट। एल्बो और नी के लचीलेपन को नियंत्रित करने के लिए एल्बो और नी के रीस्ट्रेंट का उपयोग किया जाता है। इसमें 6 to 10 पॉकेट्स वाले रेडीमेड कपड़े का उपयोग करते हैं। एल्बो और नी के किनारों पर कॉटन रखें और पॉकेट कपड़ों पर नी लकड़ी या प्लास्टिक स्ट्रिप पर रखें। सी पॉइंट है एक्सट्रीमिटी रीस्ट्रेंट। इसका उपयोग एक या एक से अधिक एक्सट्रीमिटी को स्थिर करने के लिए किया जाता है। यह गोज बैंडेज स्ट्रिप 2 inch वाइड के साथ किया जाता है जो कि 8 का फिगर बनाते हैं। गोज का एंड बेड से टाई करते हैं। डी है एब्डोमिनल रीस्ट्रेंट। इससे इन्फेंट को बेड पर सुपाइन ई है मिट्टन रीस्ट्रेंट। मिट्टन रीस्ट्रेंट जिसका उपयोग ट्यूब्स, लाइंस और कैथेटर के डिसलॉजमेंट को रोकने के लिए किया जाता है। रिस्ट रीस्ट्रेंट जो ट्यूब, लाइंस और कैथेटर के डिसलॉजमेंट को रोकने के लिए करते हैं। आर्म और लेग पर रीस्ट्रेंट वॉयलेंट बिहेवियर को रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेदर रीस्ट्रेंट जो वॉयलेंट बिहेवियर को रोकने के लिए उपयोग करते हैं। तो आइए अब हम इससे रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है मिट्टन रीस्ट्रेंट डेट आर यूज्ड टू प्रिवेंट। ऑप्शन है डिसलॉजमेंट ऑफ ट्यूब्स, लाइंस, कैथेटर, ऑल ऑफ द अबव। आंसर है ऑल ऑफ द अबव। अब हम पढ़ेंगे केयर ऑफ पेशेंट ऑन वेंटिलेटर। एक पेशेंट एयरवे को मेंटेन रखते हैं पर पॉलिसी नोट एंडोट्रेकियल ट्यूब पोजीशन सेंटीमीटर में ध्यान देकर करें और कंफर्म करें कि ये सिक्योर है या नहीं। ऑक्सीजन सेचुरेशन को असेस करें। एयर के पर्याप्त मूवमेंट के लिए बाइलेटरल ब्रीथ साउंड और रेस्पिरेटरी रेट पर पॉलिसी असेस करें। पर पॉलिसी वाइटल साइन को चेक करें, विशेष रूप से एक वेंटिलेटर सेटिंग बदलने के बाद पार्टिकुलरली ब्लड प्रेशर चेक करें। मैकेनिकल वेंटिलेशन से इंट्राथोरेसिक प्रेशर बढ़ जाता है जो ब्लड प्रेशर और कार्डियक आउटपुट को प्रभावित कर सकता है। पेशेंट के पेन, एंजाइटी और सिडेशन की ज़रूरतों को असेस करें और ऑर्डर के अनुसार मेडिकेशन दें। बेड साइड की कंप्लीट जांच करें और सुनिश्चित करें कि सक्शन इक्विपमेंट, बैग, वॉल्व, मास्क और आर्टिफिशियल एयरवे फंक्शन कर रहा है और बेड साइड में प्रेजेंट है। प्रेस्क्राइब ऑर्डर के साथ वेंटिलेटर सेटिंग्स की जांच करें। सक्शन पेशेंट केवल आवश्यकता अनुसार पर फैसिलिटी पॉलिसी हाइपर ऑक्सीजनेट को सक्शन करने से पहले और बाद पेशेंट में करें।
ईटी ट्यूब में नॉर्मल सलाइन इंस्टिल नहीं करते हैं। कम से कम समय के लिए सक्शन और सिक्रेशन को रिमूव करने के लिए आवश्यक सबसे लोएस्ट प्रेशर का उपयोग करें। सिक्रेशन में न्यू ब्लड के रूप में अपर एयरवे ट्रोमा के लिए मॉनिटर करें। वेंटिलेटर सेटिंग्स के लिए और पर्याप्त ऑक्सीजन और एसिड बेस बैलेंस सुनिश्चित करने के लिए वीनिंग के दौरान एडजस्टमेंट के बाद आर्टिफिशियल ब्लड गैस एबीजी को मॉनिटर किया जाता है। वेंटिलेटर एसोसिएटेड न्यूमोनिया वीएपी के लिए रिस्क को कम करने के लिए स्ट्रिक्ट हैंड वॉशिंग जैसे बेड प्रैक्टिस को इम्प्लीमेंट करें। सक्शन के साथ एसेप्टिक टेक्निक, बेड के हेड को एलिवेट करें 30-45 डिग्री जब तक कि कॉन्ट्राइंडिकेटेड हो। सिडेशन करने की क्रिया प्रदान करने और पेशेंट की रेडीनेस को एक्सट्यूबेट करने के लिए पेप्टिक अल्सर डिजीज प्रोफाइल एक्सिस प्रदान करना, डीप वेन थ्रोम्बोसिस प्रोफाइल एक्सिस प्रदान करना और सुविधा नीति के अनुसार क्लोरहेक्सिडेन के साथ ओरल केयर दें। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिलने के बाद दिन में कम से कम एक बार रूटीन ट्रेकियोस्टोमी केयर की जानी चाहिए। इन्फेक्शन के लिए रिस्क कम करें। क्लाइंट द्वारा इनहेल एयर जब अपर एयरवे द्वारा फिल्टर नहीं की जाती है तो प्रारंभ में एक ट्रेकियोस्टोमी को हर 1-2 घंटे में सक्शन और क्लीन करने की आवश्यकता हो सकती है। निम्नलिखित सप्लाइज एकत्रित करें। पहला है, अपने हाथों को सोप और वाटर से अच्छी तरह धोएं। मिरर के सामने एक कंफर्टेबल पोजीशन में खड़े हों या बैठें। सिंक के ऊपर बाथरूम में ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब की केयर के लिए एक अच्छी जगह है। थर्ड है, कंसेंट प्राप्त करें और पेशेंट इन्फॉर्मेशन प्रदान करें। नेजोगैस्ट्रिक फीडिंग ट्यूब और कंफर्म करें कि यह करेक्ट साइट है। प्रत्येक उपयोग से पहले नेजोगैस्ट्रिक फीडिंग ट्यूब का करेक्ट प्लेसमेंट कंफर्म करें। जब सीनियर मेडिकल स्टाफ 5.5 से कम एडवाइस के साथ पीएच को एस्पिरेट करने में कंटिन्यूस डिफ़िकल्टी हो सकती है। अब हम पढ़ेंगे केयर ऑफ पेशेंट फॉर चेस्ट ट्यूब। फर्स्ट है, चेस्ट लेवल से अबव लिफ्ट ड्रेन नहीं करें। ड्रेनेज की सुविधा के लिए यूनिट और सभी ट्यूबिंग पेशेंट के चेस्ट लेवल से नीचे होनी चाहिए। ट्यूबिंग में कोई किंक्स या ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए जो ड्रेनेज को इनहिबिट कर सकता है। सुनिश्चित करें कि चेस्ट ट्यूब और ड्रेनेज यूनिट के बीच सभी कनेक्शन टाइट और सिक्योर हैं। अब हम पढ़ेंगे केयर ऑफ पेशेंट फॉर कैथेटर। पहला है, कम से कम 20 सेकंड के लिए सोप और गर्म पानी से हाथ धोएं। टॉयलेट में ड्रेनेज बैग से यूरिन को खाली करें। किसी भी लीकेज को पकड़ने के लिए कनेक्टर के नीचे साफ कपड़ा या गोज रखें। फिंगर्स के साथ कैथेटर को पिंच ऑफ करें और उपयोग किए गए बैग को डिसकनेक्ट करें। एक एल्कोहल पैड के साथ कैथेटर के एंड वाइप करें। हम पढ़ेंगे केयर ऑफ पेशेंट ऑन इंट्रावीनस लाइन। आईवी लाइन को प्रोटेक्ट करने में मदद करें। कभी कभी एक आईवी लाइन एक्सीडेंटली बाहर आ सकती है या आपस में टकरा सकती है। चाइल्ड से बात करें। आईवी साइड को विजिबल रखें, विशेषकर जब चाइल्ड सो रहा हो। आईवी साइड को ड्राई करें। यदि कॉम्प्लिकेशंस के कोई साइन दिखाई देते हैं तो नर्स को तुरंत फ़ोन करें। हम पढ़ेंगे अब केयर ऑफ पेशेंट ऑन ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का उपयोग करने से नोज़ या लिप्स ड्राई हो जाते हैं। यदि नेजल कैन्यूला का उपयोग करें तो ट्यूबिंग नोस्ट्रिल्स के नीचे और ईयर के आसपास रब हो सकती है। अल्कोहल का उपयोग न करें और ड्रग्स लें जो रिलैक्स करती हों, क्योंकि वे ब्रीथिंग रेट को स्लो कर देगी। टैंक में कितनी मात्रा में ऑक्सीजन है इस पर नज़र रखें और बाहर निकलने से पहले उसे फिर से चलाएं। तो आइए अब इससे रिलेटेड हम प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है, व्हाट आर द जनरल रीजंस फॉर हैविंग एन आईवी। ऑप्शन है, टू डिलीवर फ्लूड्स एंड मेडिसिंस डायरेक्टली इनटू द वेन। बोथ, टू मेंटेन ऑप्टिमल हेल्थ व्हेन ए पेशेंट इज अनेबल टू टॉलरेट ओरल इनटेक। आंसर है, टू डिलीवर फ्लूड एंड मेडिसिंस डायरेक्टली इनटू द वेन।
अब हम पढ़ेंगे बेसिक हाइजीन एंड मेंटेनेंस ऑफ हाइजीन। इसमें है बेडपान और यूरिनल्स कैसे प्रदान करना है। यूरिनल या बेडपान को तुरंत किसी भी समय दिया जाता है। इसके अलावा बेडपान आमतौर पर पेशेंट के भोजन से पहले और विजिटिंग हावर से पहले ऑफर किया जाता है। प्रत्येक उपयोग के बाद पेशेंट और मेडिकल पर्सनल को अपने हाथ धोने चाहिए। नेक्स्ट है कोलोस्टोमी केयर पर पेशेंट की आवश्यक केयर। सही आकार के पाउच और स्किन बैरियर ओपनिंग का उपयोग करें। लीक और स्किन इरिटेशन से बचने के लिए पाउचिंग सिस्टम को नियमित रूप से बदलें। पाउच को स्किन से दूर खींचते समय सावधान रहें और इसे दिन में एक बार से अधिक न निकालें जब तक कि कोई प्रॉब्लम न हो। अब हम बात करेंगे कॉन्टैक्ट विद पेशेंट एंड फैमिली मेंबर इन डिपार्टमेंट। इंटेंसिव केयर यूनिट में पेशेंट अपने हेल्थ हिस्ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन देने में असमर्थ होता है। इस सिचुएशन के ट्रीटमेंट में एक पेशेंट को एमनीसिया होता है, जो सीधे पेशेंट और फिजिशियन के बीच इंटरेक्शन को नियंत्रित करने वाले कम्युनिकेशन एटीट्यूड से संबंधित है। कम्युनिकेशन सोर्स मैसेज और रिसीवर पर आधारित होता है। कम्युनिकेशन सोर्स आमतौर पर इंटेंसिव केयर यूनिट जैसे हेल्थ यूनिट में फिजिशियन होता है। पेशेंट के रिलेटिव्स और फिजिशियन के बीच इंटरेक्शन मैसेज होता है और पेशेंट के रिलेटिव रिसिपिएंट होते हैं। कम्युनिकेशन प्रोसेस को ठीक से काम करने के लिए फिजिशियन और पेशेंट के रिलेटिव्स को मैसेज के समान अर्थ को एट्रीब्यूट करना चाहिए। पार्टिसिपेशन क्वेश्चन एंड कमेंट को एनकरेज करने के लिए स्पष्ट रूप से फैमिली मेंबर्स से संपर्क करें। डिस्कस करें कि फैमिली मेंबर्स कैसे रूटीन केयर या एक्टिविटीज़ में मदद कर सकते हैं और उन्हें ऐसा लगना चाहिए कि अपॉर्चुनिटी प्रदान कर सकते हैं। फैमिली कनेक्टिवनेस रखने वाली एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्वमेंट को एनकरेज करें। दोस्तों कैसा लगा हमारा वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। और हाँ दोस्तों, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और हाँ लाइक करना न भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।